माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल वन टू ऑल बाय नास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज आ गई हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेहंदी व्लॉग, यानी कि मैं मेहंदी में गई तो मैंने किस तरीके से तैयारी की। और ये जो आप लोग देख रहे हैं क्लिप, ये मेहंदी के बाद का है क्योंकि रात को हम आए थे लेट नाइट 3:30 बजे। बहुत सर्दी थी और गैस भी नहीं थी, इसलिए मैंने सिलेंडर पर सुबह तकरीबन 5 बजे ये चाय बनाई थी मैंने, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। 5 बजे मैंने चाय बनाई ताकि मुझे जो है सर्दी सही हो, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूं, एडिट करूं, वॉइस ओवर करूं। और अब हम चलते हैं मेहंदी की तैयारी की तरफ। मेहंदी में मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, मैं फुल आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द वेडिंग सीरीज़ लाने वाली हूं, जिसमें मैं मेहंदी, मायूं, बारात, वलीमा, चौथी, निकाह, हर तरीके के ड्रेसेस आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ मैंने अपनी स्किन केयर की थी, सबसे पहले मैंने टोनर और क्लिंजर से अपने फेस को क्लिंज किया था। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट 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 फ्रेंड मास्क, ये मेरा मिरेकल मास्क है। मैं बाज़ार से फेशियल, पार्लर से फेशियल नहीं करवाती और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपना कीमती वक्त और कीमती पैसे बचाएं और स्किन केयर को घर में ही अच्छे तरीके से कर लें। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की मैंने ये स्किन केयर की थी और आधे घंटे में इस तरह से स्किन केयर हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे पार्लर जैसा फेशियल। सबसे पहले मैंने टोनर और क्लिंजर से फेस वॉश किया, इसके बाद मैंने ये मास्क लगाया। मास्क की रेसिपी भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त से ज़बरदस्त है। इसके रिजल्ट आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने लगाई थी अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि मैं पूरी स्किन केयर करके गई थी और इस तरह से करके गई थी जैसे बिल्कुल फेशियल लाइक, पैसे भी बचाए, वक्त भी बचाया और रिजल्ट भी बिल्कुल मैंने पार्लर जैसा ही पाया। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बोल नहीं रही बल्कि वाकई में मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा टर्न आउट होकर आया था। इसके बाद मैंने ये शीट मास्क लगाया था, क्योंकि शीट मास्क अगर हम मेकअप करने से हाफ़ एन आवर पहले लगा लें तो उससे जो हमारा मेकअप है वो सेट हो जाता है, ग्लोई लगता है, ड्यूई लगता है, और जो बेस फटी फटी लगती है वो नहीं लगेगी। जो मैंने स्किन केयर की है उसके बाद जो बेस आपकी जो बिल्कुल सेट हो जाएगी, फ्लॉलेस लगेगी और मेकअप जो है वो ग्लोई और शाइनी लगेगा, जो कि विंटर में बहुत ही प्यारा लगता है ग्लोई मेकअप। अगर बेस फटी फटी सी हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आप लोग ये स्किन केयर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग के कमेंट आए तो। और इसके बाद मैंने ये रिंग वेयर की थी, ये रिंग मैंने जो है स्टाइलो से ली है, स्टाइलो पे सेल लगी हुई थी जब मैंने ये परचेज़ की थी। ये थी 850 या 900 की आई थिंक सो थी, लेकिन मुझे 51% में मिली थी 350 की, जस्ट 350 रुपीज़ में मुझे ये इतनी खूबसूरत सी स्टाइलो पे रिंग मिली थी। और आगे मैं आप लोगों से स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर करूँगी स्टाइलो का, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि स्टाइलो पे लग चुकी है 51% अप टू 51% सेल। तो जो लोग मेरी तरह स्टाइलो के फ़ैन हैं, स्टाइलो ब्रांड के सैंडल्स, ज्वेलरी, बैग्स वगैरह लेना पसंद करते हैं तो वो प्लीज़ जल्दी से अपने करीबी आउटलेट से, स्टाइलो के आउटलेट से जल्दी जल्दी विज़िट करें और अपनी पसंद की चीज़ों को जल्दी जल्दी उठाएं, क्योंकि स्टॉक बहुत कम है। जल्दी जल्दी चीज़ें सोल्ड आउट हो रही हैं और सेल में वैसे भी जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं। देखें आप यहाँ पे मैंने पम्प्स वगैरह के लगाए हैं, मैं ऑनलाइन साइट चेक कर रही थी, वेबसाइट इन लोगों की चेक कर रही थी स्टाइलों की, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि कम प्राइज़ है, 1000 है, 1200 है, 1380 रुपीज़ है। ये देखें 1380 में कितने ज़बरदस्त पम्प्स हैं विंटर के लिहाज से, तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। तो ये ना हो कि आप लोगों की पसंद की वैरायटी है जो सोल्ड आउट हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दिया है। और आगे मैं आप लोगों के साथ फॉर्मल सैंडल्स भी शेयर करूंगी, बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ आई हुई हैं स्टाइलो पे। और मैंने विज़िट किया था, मुझे जो स्टाइलो की है, मैं ज्वेलरी बहुत मुझे अच्छी लगती है स्टाइलो की, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत रहती है रीज़नेबल प्राइस में, अगर सेल में मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी रहती है वो। और यहाँ पे आप देखेंगे कितने खूबसूरत ये 1470 रुपीज़ के सैंडल है, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। इसमें 4 कलर्स भी हैं, सिल्वर, गोल्डन, ग्रे, पीच, ये 4 कलर भी हैं। आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल प्राइजेज हैं। तो जिनको फैंसी सैंडल्स, पम्प्स, ज्वेलरी, बैग्स, कलेक्शन वगैरह चाहिए और तो फिर वो जल्दी जल्दी स्टाइल हो जाइए और सेल का फ़ायदा उठाइए। जो जो चीज़ें मैं खुद अपने लिए लेती हूँ, जहाँ से लेती हूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और आप लोग भी सेल अवेल कर सकें। और आगे मैं आप लोगों के साथ उनकी स्टाइलों की रिंग भी शेयर करूँगी,
स्टाइलों की रिंग जो है बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल यूनिक होती हैं, और अगर सेल प्राइस में मिल जाएँ, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मसला ये होता है कि इनकी अगर 51% सेल लग जाती है तो रिंग्स जो होती हैं वो तो फ़ौरन ही सोल्ड आउट हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं रहती। हाँ 11% में 31% में फिर भी कुछ कुछ रह जाती हैं, लेकिन 51% वाली तो फ़ौरन सोल्ड आउट हो जाती हैं। यहाँ पे ये मैं खुद से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए खुद से भी कितने खूबसूरत 1500 रुपीज़ के, 1300 रुपीज़ के, कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त खुस्से हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये एक पर्पल कलर का खुस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जस्ट 1242 रुपीज़ का है। इसकी एक्चुअल प्राइस देखते हैं कि क्या है, ये 31% में है सेल में, 31% पे ऑफ है इसका। और इसकी प्राइस हम देखेंगे कि क्या है जी, तो इसकी प्राइस 1800 पहले थी और अब 1272 रुपीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें पर्पल कलर भी है और एक गोल्डन कलर भी है, आप ये देख सकते हैं गोल्डन कलर भी बहुत प्यारा है। और अब इनकी ज्वेलरी कलेक्शन, इनकी रिंग कलेक्शन जो कि बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि इनकी बहुत जल्दी रिंग्स सोल्ड आउट हो जाती हैं, 51% में तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है। अगर फर्स्ट डे या सेकंड डे जाएं तो ही हमें मिलती हैं, बल्कि मैं तो सेकंड डे भी गई थी लेकिन मुझे सेकंड डे में भी 51% में नहीं मिली, 31% या 11% में भी कुछ कुछ रह गई हैं। तो जो आप लोगों को अच्छी लगती हैं अपने करीबी आउटलेट से या ऑनलाइन से जल्दी जल्दी सेल अवेल कर लीजिए, फिर ना कहिएगा कि खबर नहीं हुई जी। तो फिर हम गए थे हम मेहंदी फंक्शन में, और आप ये देख सकते हैं मेरा ट्राउज़र डिज़ाइन, ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, बिलीव मी। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ये वेडिंग ड्रेसेस शेयर करना चाह रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं वेडिंग सीरीज की फुल कलेक्शन, मायू, मेहंदी, इंगेजमेंट, निकाह, बारात, वलीमा, चौथी, हर तरीके के ड्रेसेस डिज़ाइनर स्टाइल में और वो भी कम बजट में रहते हुए आप लोग को बताऊँगी कि किस तरह से बनाने हैं। और ये आप लोग देखिए मेहंदी, फजर मंडे की फजर के बाद 6:45 AM यानी 7:15 बजे फजर की नमाज़ के बाद ही आप मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और सर्दी भी बहुत थी जब मैं शूट कर रही थी ये क्लिप को, तो बहुत ही सर्दी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे मौसम रिकॉर्ड करना था कि फजर के वक्त कैसा मौसम हो रहा है, तो फिर इसलिए मैंने सर्दी भी बर्दाश्त कर ली। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी तो ये मैं अपनी वीडियोज़ का थंबनेल लगा रही हूँ, जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी वो चैनल को विजिट करें और जल्दी जल्दी मेरी वीडियोज़ को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, ओके। तो मैं YouTube फैमिली दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।